अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देसी एंड वैजी किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, लच्छा पकौड़ा के लिए हम सबसे पहले उसके चिकन के अज्जा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे चिकन लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो। बेसन है मेरे पास 3 टेबलस्पून, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है और आधा चाय का चम्मच नमक है। तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है, 1 चाय का चम्मच मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर है और 1/2 टीस्पून मेरे पास जर्दे का रंग है। सबसे पहले मैं चिकन में ये मसाले डालूंगी, साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन पे मसाला अच्छे से अप्लाई हो जाए। व्यूअर्स, चिकन पे मसाला अप्लाई हो चुका है, अब हम इसको मैरिनेशन के लिए 15 मिनट देंगे। तब तक हम इसके बाकी अज्जा तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए हैं। हम आलू को आपने ये जो चॉपर की ये वाली साइड है, इस साइड से आपने इनको करना है, पहले इनके पीसेस बनाने हैं और फिर हम इनको काटेंगे। व्यूअर्स, इस तरह से आलू मैंने सारे क्रश करके रख लिए हैं। अब हम इसको मजीद बारीक करेंगे। इस तरह से आपने आलू रखने हैं और इनको आपने छुरी की मदद से लंबाई के रुख में बारीक काट लेना है। आलू आपने लंबाई के रुख में रखने हैं। ये आप देख सकते हैं इतने ये बारीक आलू हमने काट लिए हैं। इसी तरह से हम सारे आलू काट लेंगे। व्यूअर्स, आलू सारे मैंने ये देखें इस तरह से बारीक काट दिए हैं। अब हम इनके अंदर मसाले ऐड करेंगे। व्यूअर्स, आलू में डालने के लिए आप मसाले नोट डाउन कर लें। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच कुटी सुर्ख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैदा है मेरे पास और 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर है। अब मैं इनके ऊपर ये पाउडर मसाले डालूंगी। मैदा जाएगा, और कॉर्नफ्लोर जाएगा और इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं आलू का बैटर इस तरह से तैयार हो गया। मैंने आलूओं का पानी नहीं निकाला था इसलिए कि उस पानी के अंदर जब हम मैदा और कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो उनको मिक्स करने से अच्छा सा हमारे पास इस तरह वो लेसदार सा बैटर तैयार होगा जो कि हमारे पकौड़ों को जोड़ सकेगा। चलिए व्यूअर्स, लच्छा पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हम पहले आलू का बैटर उठाएंगे, इसके दरमियान में चिकन का पीस रखेंगे, दोबारा से आलू का बैटर लगा के और इसको इस तरह से हाथ की मदद से गोल कर लेंगे। इस तरह से आपने सारे पकौड़े तैयार कर लेने हैं। इस तरह से आपने सारे पकौड़े तैयार कर लेने हैं। व्यूअर्स, ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म होना रख दिया था, अब हम इन पकौड़ों को फ्राई करते हैं। एहतियात से आपने इनको ऑयल के अंदर डालना है। आंच आपने आहिस्ता ही रखनी है क्योंकि इसके अंदर हमने चिकन भी डाला हुआ है तो चिकन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप आंच आहिस्ता रखेंगे तो हमारा चिकन भी अंदर वाला अच्छे से तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, वक्त-वक्त से इनकी साइड्स हमने चेंज करनी है। व्यूअर्स, पकौड़ों का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की रेसिपी लच्छा पकौड़ा आपको पसंद आई होगी। मजीद रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करते रहें।